धातुओं की धातु लवणों के साथ में अभिक्रिया। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो धातु लवणों में उपस्थित धातुओं को विस्थापित कर देती है तथा कुछ धातुएं उनको विस्थापित नहीं कर पाती। इसका कारण होता है धातुओं की क्रियाशीलता। तो धातुओं की क्रियाशीलता को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा प्रमाण है विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाओं के आधार पर एक सूची तैयार की गई है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और उस सूची को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुएं हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय धातुएं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है। ये धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ में अभिक्रिया कर देती है, इसलिए इनका प्रयोग अम्ल के साथ में नहीं किया जाता। पोटेशियम और सोडियम का, तो कैल्शियम भी इसके इनके ही श्रेणी के लगभग आती है। फिर हमने देखा कि जो अम्ल के साथ में अभिक्रियाएं करती है धातुएं, तो चार हमने क्रियाशीलता पढ़ी थी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की। यह अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेड और हाइड्रोजन, ये दो धातुएं हैं। फिर इसके बाद में बचती है चार धातुएं हैं, कॉपर। कॉपर जो है तनु अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करती। कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, यानी कि CuHgAgAu। तो सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड और सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इस तरह से धातु की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम को प्रस्तुत करती है ये श्रेणी है सक्रियता श्रेणी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी में 3, 4, 7 और 2, 9 और 4, 13, तो 13 धातुएं हैं जो सक्रियता श्रेणी में हैं।